सत श्री अकाल जी, आप सब जी का स्वागत है थोड़े अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। अज आपां लैके आए हां थोड़े लई पटवारी का जिहड़ा आपां स्पैशल सीरीज़ शुरू की हुई अपने चैनल ते, उहदा पार्ट नंबर टू। वैसे पार्ट नंबर टू अपना बनता सीगा कंप्यूटर जनरेशन, वह ऑलरेडी मैं करवा रखे अपने चैनल दे उपर। मैं अज की करूँगा कि उहनू अपनी इस सीरीज़ दे विच ऐड कर दूंगा, तुसीं वह भी जाके देख लियो। आपां इह कह सकते हैं जिहड़ा अज दा पार्ट है राजे, तीन नंबर पार्ट है कंप्यूटर जनरेशन। तो बाद आपां पढ़ना हुण कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हुंदा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़नी आ। इहदे विच तुहानू बहुत नवीं चीज़ां सीखण नूं मिलणगियां, क्योंकि इहदा लैवल मैं बहुत अप करता कि यह सोच के कि पटवारी जिहड़ा 2016 दे विच कंप्यूटर आया सीगा उस हिसाब नाल चल रहे हैं आपां। पर जिहड़ा 2016 दे विच कंप्यूटर आया सी राजे, वह बिल्कुल एक ऐं कह सकते हैं भी बिल्कुल इदा आपां ऐ कह सकते हैं भी जिहड़ी अनएक्सपैक्टिड चीज़ हो गई सीगी। कदे भी उदां दा पैटर्न नहीं आउंदा गा पंजाब दे विच, पर फिर भी आपां आपदी तैयारी करनी है 101%। तो अज दी वीडियो दे विच आपां सारा कुछ डिटेल दे विच पढ़ांगे। चलो स्टार्ट करते हैं अज दी वीडियो। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखो, क्योंकि एंड दे विच मैं 3 या 4 थोड़े तो MCQ पुट किए हैं, तो वह तुसीं आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स दे विच। नाल ही तुसीं वीडियो नूं लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ। जे कोई बच्चा नवां है तां राजे चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ। चलो स्टार्ट करते हैं आपां। सब तो पहला आपां गल करते हैं, लास्ट टाइम आपां जिहड़ी वीडियो कीती सी उहदे विच पढ़िया सी आपां भी कि कंप्यूटर पहला आए, जिवें अबैगस वगैरह आ गया, ठीक है, चार्ले बैबजे का आ गया, सारा कुछ आपां पढ़िया सी उहदे विच डिटेल दे। हुण आपां पढ़ते हैं भी इहदा फिजिकल स्ट्रक्चर की आ, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर वगैरह किवें तैयार हुंदा, की इहदे विच हार्डवेयर हुंदे ने, कि कंपोनेंट हुंदे ने। तां पहलां गल करते हैं राजे, जिवें मान लो हुण कंप्यूटर आर्किटेक्चर की चीज़ हुंदी है। मान लो कोई भी गड्डी है, ऑटोमोबाइल दे विच की है कि गड्डी तैयार करन तो पहला सब तो पहला उहदा डिज़ाइन तैयार किया जाता है, क्योंकि की हुंदा भी इह तां नहीं कि पहला टायर तैयार करते, पहला इंजन तैयार करता, नहीं। सब तो पहली चीज़ जिहड़ी तैयार होगी राजे डिजाइन तैयार होगा। डिजाइन तो बाद ही देखा जाऊगा कि उहदे हिसाब नाल टायर वगैरह का रेडियस किन्ना रखा जाना, किस हिसाब का इंजन रखा जाना उहदे विच, ठीक है। तो उवें कंप्यूटर दे विच भी सब तो जिहड़ी इंपोर्टेंट चीज़ की है, कंप्यूटर का डिज़ाइन है, जां आपां इह कह सकदे आ कंप्यूटर का, अगर आपां कंप्यूटर की भाषा च गल करिए तां कंप्यूटर का की है आर्किटेक्चर वगैरह है, ठीक है। तो इहदे विच की है, इहदे विच इह आर्किटेक्चर की दसदा आपां नूं कि जिहड़े हार्डवेयर के जिन्ने भी कंपोनेंट है आपस दे विच किवें काम करते आ, किवें एक दूजे नाल जुड़े हुए है। चलो पढ़ लो एक बार, थोड़ी हैल्प वास्ते मैं PDF भी सेंड कर दूंगा टैलीग्राम के। कहिंदा कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ कंसर्नड विद द वे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कनैक्टिड टूगैदर टू फॉर्म द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि छोटे छोटे हार्डवेयर जिहड़े कंपोनेंट आपस विच मिलके की बनाउंदे आ, एंटायर कंप्यूटर सिस्टम बनाउंदे आ, ठीक है। तो इहनू की कह दिंदे आ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह कह दिंदे आ। पर अपने पेपर दे वास्ते की इंपोर्टेंट चीज़ है राजे, जिहड़ी कि मैं हाईलाइट की हुई है रैड कलर दे विच, इह पुछा जांदा वार वार कि पेपर दे विच कि हू इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इहदा आंसर हैगा राजे जॉन वॉन नीमोन, ठीक है। इहनू याद रख लियो, यही क्वेश्चन वार वार रिपीट हुंदा पंजाब दे एग्जाम दे विच। ते हुण आपां इहदे विच पढ़ांगे कि कंप्यूटर दे विच जिहड़े बेसिक कंपोनेंट कि जिवें अपना CPU हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट हो गया, मैमरी यूनिट हो गया, सारा कुछ पढ़ना आपां पूरी डिटेल दे विच। चलो नैक्सट मूव करते हैं आपां। सब तो पहला आपां देखते हैं राजे एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम हुंदा कि ओवरव्यू देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम दे विच भी जिहड़ा कंप्यूटर आ किहड़े भागां दे विच वंडिया गया, कि पार्ट ने आर्किटेक्चर के। तो बेसिकली इहनू 3 भागों वंडिया गया राजे। सब तो पहला जिहड़ा यूनिट हैगा राजे वह हैगा इनपुट है, तो दूसरा जिहड़ा हैगा राजे सारा जिहड़ा मिला के मैमरी वगैरह ALU वगैरह CU नूं मिला के जिहड़ी चीज़ बनती है उहनू कह दिंदे आ सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, जिहनू तुसीं शॉर्ट फॉर्म के CPU वगैरह भी बोलते हो। तो लास्ट के जिहड़ा यूनिट हैगा राजे वह हैगा आउटपुट यूनिट, जिहदे विच आपां की करते हैं रिजल्ट वगैरह देखते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो यह तिने की ने अपने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के पार्ट्स ने। इन्हां तिना पार्ट्स नूं आपां पढ़ना डिटेल दे विच। ते अज दी वीडियो दे विच आपां मैमरी नहीं पढ़ांगे, क्योंकि मैमरी की एक वक्खरा टॉपिक है, तो उहनूं आपां नैक्सट वीडियो दे विच कवर करन दी कोशिश करांगे, क्योंकि पंजाब दे एग्जाम दे विच सब तो वध MCQ मैमरी तो पुछे जांदे आ भी किहड़ी प्राइमरी मैमरी हुंदी है, किहड़ी वोलेटाइल हुंदी है, जां ऑक्सिलरी मैमरी किहड़ी हुंदी है, कैशे मैमरी की हुंदी है, रजिस्टर की हुंदे ने, इह सारा कुछ इंपोर्टेंट रहेगा तुहाडे पटवारी एग्जाम दे लई। चलो नैक्सट मूव करते हैं आपां। हुण क्वेश्चन की पुछा जाता है, क्वेश्चन थोड़े सामने है,
क्वेश्चन मैं इस करके लैके आना राजे कि थानू एक आइडिया हो जाए भी आप जी थ्यूरी पढ़ रहे हैं उत्तों क्वेश्चन किमें पूछा जा सकता है। कहिंदा द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, तो कहिंदा कंप्यूटर किहड़े किहड़े ऑपरेशन करता है, कहिंदा अरथमैटिक करता है, लॉजिकल भी करता है, स्टोरेज भी करता, तो मतलब की है कंप्यूटर सारे काम करता, तो ऑप्शन की आजूगी ऑल ऑफ द अबव की आजूगा थोड़ा राइट आंसर आजूगा। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं हुण आपां इहदे विच पढ़ते हैं आपां सब तो पहला भी कंप्यूटर दे विच किन्ने पार्ट आपां तुहानूं दस के हटिया हुणे, इनपुट यूनिट हो गया थोड़ा सीपीयू हो गया ते आउटपुट यूनिट हो गया। ठीक है जी, ये सारे की करनगे मिला के अपना इंटायर कंप्यूटर सिस्टम बनाउणगे, तो जिहड़ी थ्यूरी वगैरह तुसीं इहनूं पढ़ सकते हो। नैक्सट देखते हैं आपां, सब तो पहला आप गल करते हैं जो बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर का, बेसिक यूनिट है वह हैगा इनपुट यूनिट, क्योंकि जोड़ा इनपुट यूनिट है जितों भी आप डाटा वगैरह कंप्यूटर के एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं कितों एंटर हो इनपुट यूनिट के थ्रू एंटर हो, तो इन वास्ते जी बेसिक इनपुट डिवाइस यूज की जाती है राजे कीबोर्ड, कीबोर्ड बारे सारे जानते ही होगा, बाकी आप किसी न किसी वीडियो कवर करा इनपुट और आउटपुट डिवाइसिज, तो कीबोर्ड के थ्रू आप करते हैं इनपुट करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लैपटॉप के, तो कंप्यूटर जी चीज़ एंटर करता राजे वो होंगे डाटा, तो डाटा बेसिकली आप कह दें रॉ फैक्ट्स, मतलब कि जो भी है डाटा जिद प्रोसैसिंग हजे होनी है, तो वह प्रोसैसिंग होने तो पहला जी चीज़ अपने को डाटा होंगी है, जो प्रोसैसिंग हो जाए तो एक मीनिंगफुल फॉर्म के बन जाती है जिन्हों कह देंगे इनफॉर्मेशन राइट है। ये आप बाद च गल करा जो आप डी बी एम एस का लैक्चर करा वो पढ़ा भी डाटा की होंगे इनफॉर्मेशन की होंगी है। फिलहाल आप इन्ना याद रखना है कि जो इनपुट यूनिट कहदे वास्ते काम आता है, डाटा वगैरह एंटर करने वास्ते काम आता है। ठीक है जी, इस तो बाद होर काम की करता राजे, कहिंदा इट कन्वर्ट्स इनपुटिड डाटा इन टू बाइनरी कोड्स, और थोड़ा मैं दस्या होया कंप्यूटर नू कदे भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती गी, कंप्यूटर काम करता कि उपर बाइनरी लैंग्वेज के उपर काम करता है, तो बाइनरी लैंग्वेज की होंगी है राजे जीरो ते वन की फॉर्म च होंगी है। मैं थोड़ा ये भी किसी ना किसी दिन वीडियो करवाऊँगा नंबर सिस्टम उदो करवाऊँगा कि बाइनरी सिस्टम होंदा की है जां लो लैवल लैंगुएज की होंगी है। फिलहाल तुसीं इन्ना समझ लो जीरो ते वन दो बिट होंदियां ने बाइनरी दे विच, जीरो का मतलब होंदा ऑफ ते वन का मतलब की होंदा ऑन। मान लो तुहाडे घर दे विच पक्खा है, फ्रिज है, कोई चीज़ बंद पई है, तो उहदी वैल्यू किन्नी है जीरो, जे उह चल रही उहदी वैल्यू किन्नी है वन है। बस इन्ना दिमाग च बिठा लो, ज़्यादा डिटेल च जाण दी जरूरत नहीं, क्योंकि आपां कोई डिग्री नहीं करनी गी, आपां जस्ट एग्जाम क्रैक करना, तो आपां जस्ट एग्जाम वास्ते जो चीज़ हाईलाइटिड है जां ज़्यादा की है इंपोर्टेंट है उही पढ़नी आपां। इस तों बाद कहिंदा इट सेंड्स द डाटा टू द मेन मैमरी ऑफ द कंप्यूटर, जो भी डाटा एंटर होगा सब तो पहला मेन मैमरी जाऊगा, मेन मैमरी मतलब रैम, वो मैं थोड़ा समझाऊंगा किमें जाता जो आप मैमरी वाला चैप्टर करा मैमरी वाली वीडियो करा। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं इनपुट यूनिट सबनों क्लीयर है, ये दो बेसिक डिवाइस यूज होंगे ने कीबोर्ड तो माउस। नैक्सट देखते हैं हूँ सब तो जो बेसिक ज मेन आप कह सकते हैं कंप्यूटर का जोड़ा भाग होंगे उन्होंने कह देंगे सीपीयू, तो तुम इन शॉर्ट फॉर्म के सीपीयू कहने हो, तो यदि फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है पंजाब के एग्जाम के सीपीयू स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, मतलब जिते एक्चुअल काम होगा डाटा के उपर जिते प्रोसैसिंग होगी। हुण मान लो तुहानूं मैं दस दिना एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लो मैं एक नंबर एंटर किया 7+5, ठीक है 7+5 एंटर किया, यह की हो गया अपना आपां इनपुट देती, पर इहदे उपर काम होना हुण इहदा रिजल्ट कदों ऑबटेन होगा जदों इह सीपीयू दे विच काम करूगा, 7+5 मतलब 12 हुंदे आ, 12 कदों बनूगा जदों प्रोसैसिंग होगी, कित्थे सीपीयू दे विच प्रोसैसिंग होगी, तो जदों 12 बन गया कित्थे चला जाऊगा वह आउटपुट यूनिट दे विच चला जाऊगा जिथे आपां इहनूं की करांगे वेखांगे इहदी सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट ऑबटेन करांगे। ठीक है जी, ये हुंदा भाई सीपीयू। तो दूजी जिहड़ी सब तो महत्वपूर्ण गल है सीपीयू दे बारे जिहड़ी कि पंजाब दे पेपरां च पुछी जाती है कि सीपीयू नूं की कहिंदे आ, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की कह देंदे आ, कंप्यूटर का दिमाग कहिंदे आ सीपीयू नूं, इह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुंदा ते स्पैशली पी ट्रिपल एस बी दे बोर्ड दे पेपर दे विच इह क्वेश्चन बहुत बार देखण नूं मिलिया, तुसीं पुराने पेपर चक के देख सकते हो कि वार वार क्वेश्चन आउंदा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो इहनूं कह देंदे आ सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट नूं कह देंदे आ। अच्छा हुण गल आपां करदे आ, एक कन्फ्यूजन हुंदी आ स्टूडेंट नूं कि एक क्वेश्चन आ जांदा हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो बच्चे की करते हैं कि उत्थे कई बार की होंगे वो हुण ऑप्शन पर डिपेंड करूगा, वैसे जो हार्ट होंगे राजे उन्होंने माइक्रो प्रोसैसर कह देंगे हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, पर जो माइक्रो प्रोसैसर होंगे बेसिकली वो भी एक सीपीयू का पार्ट ही होंगे, वो भी सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होंगे, मदरबोर्ड से लग्या होंगे चिप होंगी है, पर जो ऑप्शन के सीपीयू पिया हो आंसर की आजूगा सीपीयू,
तो जे सीपीयू ना होया तो माइक्रो प्रोसैसर होया तो आंसर की आ जाऊगा थोड़ा प्रोसैसर या माइक्रो प्रोसैसर की कह देंगे हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो तुम कन्फ्यूज नहीं होना गा उदा ही पार्ट होंदा है, बस ऑप्शन ते डिपेंड होगा कि क्यों मतलब कि सीपीयू आऊगा कि माइक्रो प्रोसैसर आऊगा। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं हूँ आप। नैक्सट ये की आ राजे, यदा प्रायमरी फंक्शन की होंगे सीपीयू का, यह एग्जीक्यूट करता प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब जो भी आप डाटा वगैरह एंटर करते हैं सारा कुछ एग्जीक्यूशन जी होगी कितने होगी सीपीयू के होगी। इस तो बाद कहता मतलब ये होंगे भी ये मेन मैमरी होंगी रैम काम होंगे सारी प्रोसैसिंग रैम के होंगी है। तो हूँ प्रोग्राम की चीज़ होंगी है, प्रोग्राम मान लो कि आप जो इनबिल्ट इंस्ट्रक्शनस देनिया कंप्यूटर को, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो अपने आप तो नहीं ना काम करता, उन्होंने इंसान ने बनाया तो उन्होंने इंस्ट्रक्शनस देनिया पैनिया भाई तू आए काम कर आए काम कर। तो वह काम कराने वास्ते की होंगे प्रोग्राम होंगे है। हूँ यदि मैं सौखी एग्जाम्पल दसदा थानू, जिमें वट्सएप है तो वट्सएप से तुम डीपी वगैरह लगा लेंगे हो, स्टेटस वगैरह लगा लेंगे हो, थानू देखने लगता कि तुम बहुत ईजली काम कर रहे हो, पर जी बैकएंड से कोडिंग होंगी है राजे भी कि चीज़ किमें काम करेगी, तुम किमें डीपी लाओगे, किमें गैलरी से जाओगे, किमें सिलेक्ट करोगे, फोटो किमें क्रॉप होगी, सारा कुछ कोडिंग होंगी है। उन्होंने कह देंगे इंस्ट्रक्शनस देना, तो उमें कंप्यूटर के हर एक काम इंस्ट्रक्शन के हों, तो इंस्ट्रक्शन कितने दिखाई जाएँ प्रोग्राम के फॉर्म के दिखाई जाए। राइट है जी, बस ये बारे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इस तो बाद आप जे अगर गल करिए सीपीयू के दो सब तो इंपोर्टेंट पार्ट कहे है राजे, एक हैगा कंट्रोल यूनिट जिन्हों कह देंगे सीयू, एक हैगा अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट। बस यही पेपर के वास्ते दोनों बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे, तो नाल इंपोर्टेंट रहेगा कि ब्रेन कौन है तो हार्ट कौन है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है जी, नैक्सट पढ़ते हैं आप हम कंट्रोल यूनिट की चीज़ होंगी है। उस तो पहला देखो क्वेश्चन वार 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 मैं थोड़ा कह रहा हाँ, थोड़ा 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा पी ट्रिपल बी के। कहता द ब्रेन ऑफ द एनी सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए एल यू है, मैमरी है या कंट्रोल है, तो थानू पता है सीपीयू है, तो सीपीयू दे की कहा जाता सीपीयू नू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी, मैं उम्मीद है थोड़ा क्लीयर हो गया होगा राजे सीपीयू के बारे। हूँ सीपीयू के अंदर जोड़े पार्ट ने दो मेन आप बारे पढ़ते हैं वो की काम करते हैं। हूँ गल करते हैं पेपर से यह भी पूछा जाता राजे कि थोड़ी किस्मत बहुत चंगी हुई तो थोड़ा डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाऊगा ए एल यू स्टैंड फॉर, तो ए एल यू की फुल फॉर्म हैगी भाई अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। जिन्हें भी अर्थमैटिक के रिलेटिड काम होंगे लॉजिक के रिलेटिड काम होंगे कितने होंगे इस यूनिट के होंगे। पढ़ लें आप राजे एक ही करता, कहता मोस्टली जो परफॉर्म करता डाटा के उपर ऑपरेशन वगैरह यही करता, यही यूनिट परफॉर्म करता। सब तो जो फंडामेंटल काम की है राजे ने अर्थमैटिक ऑपरेशन करने, जिमें प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, भाग करना, ये सारे काम कौन करेगा ए एल यू करेगा। नाल ही इन्हें लॉजिक करने, लॉजिक होंगे जिमें और एंड ते नॉट, और जिमें मान लो कि मतलब आप कह दें ना ए जा बी है ना, और ए और बी, ए जा बी, ए एंड बी मतलब ए भी है बी भी है ना, जो नॉट के आऊगा ना वाला आजूगा, ये सारे लॉजिक होंगे है। जां फिर कंपैरिजन करना मान लो दो नंबर बराबर है ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर दैन बी, ए लैस दैन बी, ए लैस दैन इक्वल टू बी, मतलब जिन्हें भी बाकी कंपैरिजन वाले प्रश्न आ सारे की करूँगा ए एल यू परफॉर्म करूँगा। राइट है जी, हुण इस तो बाद प्रॉब्लम की आती है जिन्हें भी जिमें कोई लॉग वगैरह कटना हो, ट्रिग्नोमेट्री होगी, जां हाई लैवल के जिहड़े मैथ के की ऑपरेशन हो गए यह परफॉर्म नहीं करता, उत्थे की हो जाता ए एल यू फेल हो जाता। हुण तुसीं सोचोगे सर भी असीं तां कंप्यूटर दे विच लॉग भी कढ लैंदे आ, असीं तां ट्रिग्नोमेट्री दे फंक्शन भी कर लैंदे आ, जां आपां देखदे आ ना साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जांदे, उह वी इक तरहां दा कंप्यूटर ही हुंदा, मतलब फिर उहदे विच किवें परफॉर्म हुंदे आ, तां उहदे वास्ते आउंदी आ राजे इक स्पैशल चिप आउंदी आ, तां मैं तुहानूं पढ़ाउणा उस चिप नूं कहिंदे की आ। नैक्सट स्लाइड ते मूव करदे आ, आह हुंदी आ भाई चिप जिहनूं कह दिंदे आ एफ पी यू फलोटिंग पॉइंट यूनिट। तो एक स्पैशल चिप होंगी है राजे जी कि स्पैशल परपज़ वास्ते यूज़ की जाती है, जिते कि हाई लैवल दे मैथेमैटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, पर जोड़े अजकल के प्रोसैसर आ रहे हैं उन्होंने उपर की आ रही है इनबिल्टी आ रही है, पर जोड़े पुराने कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने की है ये अलग तो लगी होंगी मदरबोर्ड के उपर। बस पेपर वास्ते आप कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट यदा नाम याद रखना कि एफ पी यू की हों, डायरैक्ट पूछा जाता कि एफ पी यू का काम की है, बस दो चीज़ा याद रखनिया ने इहदा फुल फॉर्म ते इहदा काम। हुण देखदे आं क्वेश्चन किवें बनता है, इहदे तों
लास्ट के क्वेश्चन है शायद उदो आप देखांगे। इस तो बाद आप गल करिए कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट नाम तो ही क्लीयर है, कंट्रोल मतलब हुण कंप्यूटर दे विच जिन्ना भी काम हो रहा सारिया चीज़ां नूं कंट्रोल करना, उन्हों का आपस दे विच तालमेल बिठाउणा भी किहड़ा कंपोनेंट की काम करूगा वह सारा कौन संभालूगा, कंट्रोल यूनिट संभालूगा। ठीक है, जिन्हों आप कह दें चौधरी, ये चौधरी है मतलब कि सारा चौधर मारूगा सारिया से भी आह काम तू आए कर भाई, आह काम तू आए कर, क्योंकि देखो डाटा इनपुट होना उस तो बाद मेन मैमरी भेजना, मेन मैमरी तो बाद प्रोसैसिंग चाहिए, अर्थमैटिक चाहिए, लॉजिक चाहिए, कंपैरिजन चाहिए या फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए, यह भी चौधरी साहब ने देखना। उस तो बाद जो आउटपुट जनरेट होगी आउटपुट यूनिट भेजना, यह भी चौधरी साहब देखेंगे। मतलब सारा काम कौन करूगा, कंट्रोल यूनिट करूगा कंप्यूटर का। तो पढ़ लो इनू की काम करता, कहिंदा कंट्रोल यूनिट कहिंदा की करता, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज और ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। इस तो बाद होर काम की करता राजे, ये कहिंदा ये रिसीव करता इंस्ट्रक्शनस या इनफॉर्मेशन डायरैक्टली फ्रॉम द मेन मैमरी, रैम तो इंस्ट्रक्शन लेंदा, मतलब कि रैम कहूगा भाई इनू चक के अर्थमैटिक को भेज दे, इनू चक के इधर भेज दे, सारा काम की करूगा उत्थों परफॉर्म करूगा। इस तो बाद कहिंदा जिहड़ी ये रिसीव करता इंस्ट्रक्शनस या इनफॉर्मेशन इनू कन्वर्ट कर दिंदा, तो सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है इनू कन्वर्ट करके किहदे विच कन्वर्ट कर दिंदा, कंट्रोल सिग्नल दे विच। इह हुण जे हाई लैवल का कंप्यूटर पुछया गया तो तुहानू पुछया जा सकता जिहड़ा कंट्रोल यूनिट है वह किहड़ी फॉर्म दे विच काम करता, तो वह करता भाई कंट्रोल सिग्नल की फॉर्म के कन्वर्ट कर लैंदा है जिहड़ियां भी इंस्ट्रक्शनस उहने सेंड करनियां जां रिसीव करनियां ने। ठीक है जी, तो इहदे विच पढ़ लो ये की करता भी अंडरस्टैंड करता भी किहड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, किवें एग्जीक्यूट होगा, किहड़े ऑर्डर च होगा, मतलब कि किहनूं पहलां एग्जीक्यूट करवाउणा, किहनूं बाद च एग्जीक्यूट करवाउणा, मतलब सारा कुछ कौन संभालूगा, तुहाडा कंट्रोल यूनिट संभालूगा। मैनूं पूरी उम्मीद है तुहानूं समझ लग गया होगा। फिर भी किसी की कोई भी राजे कोई शंका हुई, कोई क्वेरीज हुई, तुसीं कमेंट बॉक्स के मेरा नंबर भी पता, तुसीं मैनूं वट्सएप कर सकते हो, मैं थोड़ा रिप्लाई 101% करदा, चाहे लेट करा चाहे जल्दी करा। ठीक है जी, कन्फ्यूजन नहीं रखनी, अपना मकसद की है आप पेपर क्लीयर करना है ते वाद तो वह स्टूडेंट की हैल्प हो सके, ताही आप इतने करवा रहे हैं थानू कंप्यूटर पंजाबी माँ बोली दे विच। नैक्सट देखते हैं हुण आपां, अच्छा हुण एक ना आउटपुट यूनिट रह गया इहदे विच, शायद मैं लिखना भुल गया, बाकी उहदे बारे कोई खास गल नहीं हैगी, थानू मैं वर्बली दस दिंदा। इस तो बाद जो भी काम हो जूगा तो आउटपुट यूनिट कादे वास्ते काम आउंदा, आपनू आउटपुट देखण दे विच, तो आउटपुट वास्ते कि डिवाइस यूज की जाती है, मोनीटर ते प्रिंटर। तो मोनीटर हुंदा राजे सॉफ्ट कॉपी, जिवें मान लो तुसीं हुण स्क्रीन ते वीडियो देख रहे हो, एक ही एक तरह की सॉफ्ट कॉपी है, तो जो तुसीं नोट्स बना ले हार्ड कॉपी बन जाती है, जिवें मान लो कोई नोट्स बना के रख ले कॉपी या कोई बुक है, वह की है एक हार्ड कॉपी है जिहनूं आपां टच कर सकते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी नूं आपां टच नहीं कर सकते। अच्छा, इस तो बाद जो सीपीयू का अगला पार्ट हुंदा राजे उहनूं कह दिंदे आ मैमरी यूनिट। मैमरी यूनिट बहुत वास्ट टॉपिक है राजे, इहनूं आपां करांगे अगली वीडियो दे विच डिटेल दे विच कि कीहड़ी कीहड़ी मैमरी नूं की कहिंदे आ, कातों कहिंदे आ, की उहदी नेचर हुंदी आ, किवें क्वेश्चन पुछे जांदे आ। फिलहाल आपां इत्थे इन्ना क समझ लईए हुण की हुंदा मैमरी, की चीज़ हुंदी आ। हुण तुसीं की आ बचपन तो लैके हुण तक जिन्नी भी तुहाडी उम्र आ, तुहाडे दिमाग 'च कुछ गल्लां याद होणगियां, कुछ नहीं याद होणगियां, कुछ बहुत पुरानियां याद होणगियां। मैमरी हुंदा कि जिथे कोई चीज़ स्टोर होकर रहिंदी है, कित्थे किसी चीज़ ने जगह लै रखी है। हुण अपनियां यादां ने मतलब जां तुसीं की करदे हो अजकल फेसबुक ते आपां की करदे, मान लो आपां कितें घूमण गए शिमले वगैरह जां कितें मनाली वगैरह, दो साल बाद आपां नूं फेसबुक कहिंदा भाई तुसीं अपनी मैमरी शेयर करनी है। फेसबुक नूं किवें पता चलिया कि आपां दो साल पहलां उत्थे गए सीगे, क्योंकि फेसबुक दे विच की हुंदा डाटाबेस हुंदा है, वह की करते हैं आटोमैटिकली उत्थों आ जाता कि दो साल पहला आप कितने गए थे, क्योंकि दो साल पहला आप फोटोव वह भीडियो पाइया मैं फलाने थान पर घूमन गया, क्योंकि मैमरी है। उमें राजे कि अपने इंसान के इंसान को भी मैमरी हैगी, जिमें ब्रेन हों, तो ब्रेन के बहुत चीज़ा स्टोर होंदिया ने। ठीक है, उमें राजे कंप्यूटर के कोल भी मैमरी होंगी, कंप्यूटर के भी कुछ डाटा आप कर सकते हैं परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, जिमें थोड़िया फोटोव हो गई, गाने हो गए, थोड़िया PDF हो गई, कुछ भी मतलब कि किसी टाइप का डाटा हो गया तुम जो कि परमानेंट स्टोर करके रखना चाहते हो, कितने स्टोर होगा मैमरी के परमानेंट नहीं भी होना गा, करंटली जिदे तो काम होना वह भी कंप्यूटर मैमरी के स्टोर होगा, ज कोई मतलब कि थोड़े टाइम वास्ते टैंपरेरी स्टोर होना वह भी टैंपरेरी मैमरी स्टोर होंगे, जिमें कैशे हो गया, रजिस्टर हो गया। तो ही कहना आप एक अलग वीडियो कंप्लीट करा, बस तुम इन्नी गल समझनी है कि मैमरी होंगी की है भाई। इस तो बाद पढ़ लो
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ CPU। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਯੂਨਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਸਟੋਰ ਆਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ICਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CPU ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ IC ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5+2 ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ CPU ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਨਾ ਪਾਗਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੀਗੀ, ਦਿਮਾਗ। ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਰਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਮੈਮਰੀ ਸੰਭਾਲੂਗੀ, ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ ਬਾਈਨਰੀ ਡਾਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੈਣ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ? ਇੰਟੈਲ 4004। ਇੰਟਲ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੀ। ਵੈਸੇ AMD ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੰਟੈਲ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 4004 ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? 1971-72। ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ 'ਚ 70 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 1971-72 ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਂਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਟੈਡ ਹੌਫ ਜੀ ਦਾ। ਟੈਡ ਹੌਫ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀਗਾ ਇੰਟਲ 4004, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਡ ਹੌਫ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ये तीन भागा च वंडे गए भाई। इनू कहिंदे आ रिस्क, सिस्क ते स्पैशल प्रोसैसर। स्पैशल प्रोसैसर हुंदे, तुहानू मैं दस दिंदा, तुसीं गेमां वगैरह खेडदे होंगे, पबजी सारिआं ने खेडी होणी आ, जिहदे विच हाई लैवल की प्रोसैसिंग की जरूरत पैंदी आ, उह हुंदे स्पैशल प्रोसैसर, जिहड़े कि किसे स्पैशल काम वास्ते वरते जांदे आ। हुण आपां गल करदे आ रिस्क ते सिस्क। रिस्क ते सिस्क ते ज़्यादा डिटेल च जाण की जरूरत नहीं, पेपर के जस्ट इहदी फुल फॉर्म पुछी जाऊगी, आपां बस फुल फॉर्म बारे ही पढ़ना, ज़्यादा डिटेल च नहीं जाणांगा। तो तुहानू मैं करवा दिंदा रिस्क सिस्क हुंदे की आ। सिस्क हुंदा राजे जिहनू कह दिंदे आ कंपलैक्स इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर। बेसिकली ये की आ, माइक्रो प्रोसैसर का डिजाइन है कि अलग अलग डिजाइन के माइक्रो प्रोसैसर अपने को आउंदा मार्केट के, जिहड़ी पहला डिजाइन हैगा जां पहला आर्किटेक्चर हैगा वह हैगा सिस्क, जिहनू कह दिंदे आ कंपलैक्स इंस्ट्रक्शन सैट, ते दूजा हैगा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सैट। तो ज़्यादा चलता भाई, ज़्यादा एफिशेंट भी यही है, तो घट कॉस्ट वाला भी यही है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर यही चलता अजक, तो यही कंप्यूटर के आता है। राइट है, क्वेश्चन किमें पूछा जाता थोड़ा मैं दस दिना, किसी भी पूछा जा सकता, सिस्क से भी पूछा जा सकता, रिस्क से भी पूछा जा सकता, तुम दिमाग खोल के, क्योंकि जड़िया ऑप्शन होंगे बहुत क्लोज होंदिया ने, तो तुम दिमाग खोल के रखना, कंपलैक्स इंस्ट्रक्शन सैट कंप्यूटर आऊगा थोड़ा राइट आंसर। ठीक है जी, मैं उम्मीद है तुम्हें वीडियो वधिया लग रही होगी, जे वीडियो वधिया लग रही हुई, कोई नवी चीज़ सीखने मिल रही हुई, तो तुम लाइक कर सकते हो, तो जे भाई मेरा पढ़ाया नहीं समझ आया तो चुप करके तुम वीडियो क्विट कर दौ, तो डिसलाइक का बटन तो चलता ही है ना, जो मर्जी दब दौ। इस तो बाद गल करते हैं आप मदरबोर्ड की। अच्छा हुण नाम तो ही क्लीयर है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हुण देखो अपने घर के देखो फैमिली मैंबर किन्ने होंगे, अपने भैन भरा भी होंगे, अपने फादर भी होंगे ने, पर आप जो भी घर एंटर करिए आप कहने यार माता कित्थे है, मम्मी कित्थे है, क्योंकि माता का रोल बहुत वड्डा होंदा घर दे विच, वह रोल बहुत वड्डा प्ले करते हैं। ठीक है, सारिआं नूं जोड़ के रखते हैं अपने फैमिली मैंबरस नूं, ते ओवें राजे कंप्यूटर दे विच मदरबोर्ड का भी रोल बहुत वड्डा है। ये सारे कंपोनेंट नूं की करता है, जोड़ के रखता है, जिन्हें भी कंपोनेंट हो गए उन्हां नूं जोड़न वास्ते, कोई रैम है, कोई कीबोर्ड है, थोड़ा माउस है, थोड़ा थोड़ी सेकेंडरी मैमरी है, हार्ड डिस्क है, थोड़ा प्रोसैसर है, सारा जोड़न वास्ते एक बोर्ड बनाया जाता है राजे, वो बोर्ड नूं की कह दिंदे आ मदरबोर्ड। आई होप तुहानू क्लीयर हो गया होगा मदरबोर्ड हुंदा की है, पर आपां इहदा नाम याद रखना है। इनू मेन बोर्ड भी कह दिंदे आ, इनू मेन सर्कट बोर्ड भी कहिंदे आ, इनू सिस्टम बोर्ड भी कहिंदे आ, इनू बेस बोर्ड भी कहिंदे आ, इनू प्लैनर बोर्ड भी कहिंदे आ, इनू लॉजिक बोर्ड भी कहिंदे आ, इनू मोबो भी कहिंदे आ। हुण तुसीं कहोगे सर जी तुसीं तां सारे जाणदे नां गिणाते, एड्डी वड्डी फैमिली नहीं, आपां एग्जाम दे वास्ते दो जां तीन याद रखने ने, किहड़े किहड़े, सब तो पहला तो मदरबोर्ड तो याद रखना ही रखना है, तो एक सिस्टम बोर्ड याद रखना है, तो एक मेन सर्कट बोर्ड याद रखना, एक मोबो, तो सब तो जो इंपोर्टेंट है थोड़े पंजाब के पेपर पूछा जाता राजे, वो पूछा जाता PCB। ए पुछ लेंगे भी PCB की चीज़ है, मदरबोर्ड है की चीज़ है, तो मदरबोर्ड का दूजा नाम की है PCB, जी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो इनू कह देंगे प्रिंटिड सर्कट बोर्ड, क्योंकि ये जिन्हें भी सर्कट होंगे ना प्रिंट किए होंगे है। ठीक है, तो वो उपर लगाए जाते हैं कंपोनेंट, तो करके कह देंगे प्रिंटिड सर्कट बोर्ड। इस तो बाद की है राजे, सब तो इंपोर्टेंट चीज़ की है, ये कहता मदरबोर्ड की कनैक्ट करता, CPU कनैक्ट करता, मैमरी कनैक्ट करता, हार्ड ड्राइव में कनैक्ट करता, साउंड कार्ड में कनैक्ट करता, जिन्हें भी अपने कंपोनेंट सारे की करता जोड़ता है। इस तो बाद कह देंगे बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब रीढ़ की हड्डी आ कंप्यूटर की, बोर्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर चलूगा किवें, कीबोर्ड कितने अटैच करांगे आप, माउस कितने लगावेंगे, रैम कितने लगावेंगे। ठीक है, तो ये भी की एक एसेंशियल कंपोनेंट अपने कंप्यूटर सिस्टम का। नैक्सट देखते हैं, हुण क्वेश्चन पूछा गया भाई, कहिंदा वट इज़ मदरबोर्ड, तो याद रखियो कहिंदा ए सर्कट बोर्ड विच कनैक्ट ऑल द एलीमेंट्स या ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। बस इन्ना ही याद रखना मदरबोर्ड बारे। अच्छा हुण आपां गल करदे आं अज दी वीडियो दा लास्ट ते इंपोर्टेंट टॉपिक, बस इंटरफेस यूनिट, जिहनूं कह दिंदे आ BIU। हुण बस, तुसीं बसां बारे सुणिआ ही होगा, बसां दा काम की हुंदा है। हुण आपां, तुसीं पेपर देण जांदे हो, आपां बहुत धक्के खाधे आ ना, खा भी रहे हां जिन तक बेरोजगार हां आपां, तां आपां इन्ने तां तकड़े है नहीं, गड्डियां लै के जांदे आपां, बसां दे धक्के खांदे पंजाब वाले। तो बस का काम की हुंदा, एक लोकेशन तो दूजी लोकेशन ते सवारियां नूं लै के जाणा, ट्रांसपोर्ट का काम हुंदा है। बस उवें कंप्यूटर दे विच भी बसां होंदियां ने, जिहदा काम की हुंदा है एक जगह तो दूजी जगह ते डाटा नूं चक के लैके जाना, एड्रैस नूं चक के लैके जाना, इंस्ट्रक्शन नूं चक के लैके जाना, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का काम कौन करूगी, बस करूगी कंप्यूटर दे विच।
ਹੁਣ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਬਨ ਵਰਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਡਾਟਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ BIU ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦਾ CPU, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ, BIU ਕਰਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੱਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ CPU ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਰੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ CPU ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ CPU ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੌਧਰ ਘੋਟੂਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਬੱਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, BIU ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਅਤੇ ਲੀਸਟ ਨੋਟ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋਟ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟਸ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਲੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੋਰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਲੋਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ CPU ਦੇਖ ਲਓ, ਲੈਪਟੋਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੀਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੇਬਲ ਐਂਡ ਪੋਰਟਸ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਲੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਦਰਬੋਰਡ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਰਾਜੇ, ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, USB ਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਲਦਾ USB ਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈੱਡਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ USB ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਊਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਲੱਗ ਇਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ USB। ਤਾਂ USB ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਿ 4 ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਚਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ABCD, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ CPU ਮੈਮਰੀ ਐਂਡ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਡਾਟਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਨ ਦਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਰ ਚਿਪ ਆਰ ਰੈਫਰਡ। ਮਤਲਬ ਮਦਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਊਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੀਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।